हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज हम शादियों जैसे मक्की की रोटी घर पे बना रहे हैं, मतलब कि हम शादी का स्वाद घर पे लेने जा रहे हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं शादी की मक्की की रोटी का स्वाद घर पर हम कैसे ले सकते हैं। शादियों के जैसे मक्की की रोटी बनाने के लिए हमने ये एक बड़ा बाउल लिया है मक्की का आटा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा कटा हरा धनिया, ये है तेल और पानी आटा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक, अजवाइन, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं, इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पत्ता। अब इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मच तेल, इससे जो है रोटी बहुत ही टेस्टी बनती है। सब चीजों को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को गूंथ लेंगे। आटा वैसे ही गूंदना है जैसे हम आम मक्की का आटा गूंथते हैं, लेकिन ये शादियों की जैसी जो मक्की की रोटी है, ये जो नहीं बना सकता वो भी बना लेगा। बहुत ईजी है इसको बनाना, क्योंकि इसको बेलने का झंझट नहीं है ज्यादा। आप देख रहे हैं कि मक्की के आटे को हम इस तरह से गूंथते हैं। मक्की का आटा जो है बहुत अच्छे से स्मूथ गूंदा जा चुका है। हमने इसे इस तरह से गूंथा है और बहुत ही अच्छा गूंद के तैयार हुआ है। मक्की के आटे को गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए हमने रखना है और उसके ऊपर इस तरह से ऑयल लगाते हुए हमने रखना है। ये मेरा पहला टिप। 10 मिनट हो गए हैं। आपने मक्की का आटा जो गूंदना है वो ज्यादा हार्ड नहीं गूंदना, ये सॉफ्ट होना चाहिए। ज्यादा हार्ड अगर आटा गूंथेंगे तो रोटी जो है वो सूखी सूखी बनेंगी, तो ये आपने ध्यान रखना है। एक तवे को हमने गैस पे रख लिया है, तो देखना ये है कि हमने शादियों के जैसा बनाना है। इसे बेलने का कोई झंझट नहीं, आपको पॉलिथीन लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही बेलन लेने की जरूरत है। आपको इसे क्या करना है, हमने बहुत छोटी छोटी इसकी लोइयां बनानी है। आपने देखा होगा कि शादियों में जाते हैं तो मक्की की रोटी जो है बहुत छोटी छोटी होती है, इसमें आपको बेलने का बिल्कुल भी झंझट नहीं होगा। जो कभी नहीं बनाता उससे भी बन जाएगी। सिर्फ आपने इतनी इतनी रोटी बनानी है जो आपके हाथ के ऊपर आ जाए। आप देख रहे हैं कि रोटी जो है कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ हाथ के ऊपर आई है। आपने सिर्फ इतनी इतनी रोटी बनानी है, इससे बड़ी नहीं बनानी। ऐसे रोटी हर वो इंसान बना सकता है, हर वो लेडीज बना सकती है जिसने कभी भी मक्की की रोटी ना बनाई हो या जिससे मक्की की रोटी टूट जाती हो, तो इसे ना तो ये टूटेगी और बनेगी भी बहुत टेस्टी। तवे पे हमने इस तरह से घी लगा देना है। घी को मैं एक ब्रश के साथ इस तरह से फैला दूंगी। ये मैंने मक्की की रोटी इसके ऊपर डाल दिया। मैं नॉनस्टिक तवा यूज कर रही हूँ, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, बट दूसरे के ऊपर घी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लगता है। इसी तरह से मैंने दूसरी लोई बना ली है छोटी सी, और इसी तरह से मैंने दूसरी लोई को भी इतना ही बेलना है जितना कि मेरे हाथ के ऊपर आ जाए। आपने ये टिप ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको दिक्कत नहीं होगी, ना तो रोटी टूटेगी। आप देख रहे हैं कि ये रोटी पूरी बेली जा चुकी है। इसे भी मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। थोड़ा सा तवे के ऊपर डालने के बाद भी हम इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। हाथ के ऊपर थोड़ा सा घी लगाते हुए, हाथ को ग्रीस करते हुए मैं नेक्स्ट जो है लोई बना रही हूँ। ये मेरी एक तवे के ऊपर नॉर्मल तवा है ये, और इसके ऊपर तीन रोटी जो है आराम से आ गई है। आपने देखा है कि इसे बेलने का झंझट नहीं है, इसे हाथ पे बहुत आराम से बनाया जा सकता है और शादी का मजा भी लिया जा सकता है घर में। ये मैंने पहले वाली रोटी को जो बनाई थी उसे पलट दिया है, इतने में दूसरी रोटी भी पक जाएगी। एक तो बनेगी जल्दी, ये छोटी रोटी है तो जल्दी बनेगी, एक बेली भी आसानी से जाएगी और टेस्टी भी बहुत लगेगी। साग के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। सर्दी का मौसम है, सर्दी के अंदर मक्की की रोटी बहुत टेस्टी लगती है, और सबसे बड़ी बात घर में बैठ के आप शादी की फीलिंग ले सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बार बड़ी रोटी जब हम बनाते हैं मक्की की, तो अंदर से वो कच्ची रह जाती है, तो इसमें वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रोटी जो है पूरी तरह से पकेगी। घी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, कम या ज्यादा। बहुत से लोग कहते हैं कि घी कम यूज किया करो, लेकिन परांठी जो है वो घी में अच्छी लगती है और मक्की की रोटी तो वैसे घी में अच्छी लगती है, बट अगर आप कम यूज करना चाहते हैं तो आप कम यूज करें। इसी तरह से मैं सबसे पहले वाली रोटी को पलटूंगी। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से रोटी बन चुकी है। थोड़ा सा इसकी तरफ घी लगाते हुए इस रोटी को दोबारा पलट देंगे। ऐसे ही मैंने इस रोटी को भी पलट दिया है। इसमें अभी टाइम है, ऊपर से पता चल जाता है ऐसे प्रेस करते हुए, रोटी जो है अभी थोड़ी सी नरम लग रही है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही तेल लगा लेंगे। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बहुत टेस्टी बनती है ये रोटी। अब इन रोटी को हम पलट देंगे। आप देखेंगे कितनी अच्छी रोटी बनके तैयार होगी मक्की की।
आप देख रहे हैं कि मक्की की रोटी जो है वो तैयार है। इन टिप्स के साथ आप मिनटों सेकंडों में मक्की की रोटी को तैयार कर सकते हैं, वरना मक्की की रोटी बनाने टाइम बहुत देर लगती है। और इसी तरह से आप किसी के सामने भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल फंक्शंस जैसी, मैरिजेस जैसी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाली है, बहुत पसंद आएगी। आप इसी प्रोसेस के साथ बनाएं, मिनटों में जितनी मर्जी मक्की की रोटी बना लें, आप इसे ट्राई जरूर करें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।